सभी को अपने जन्मदिन को प्रणाम करता हूँ। हम लोगों ने अभी तक श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का गुण गिनती जो महिमा को अलग अलग वक्ताओं के उदाहरण दिए थे, विभिन्न दृष्टिकोण से अलग अलग रूप में करते हैं। जैसे हरी आनंद हरी तथा आनंद है, उसी तरह जो भगवान की जो भक्त भी है इनकी कथा भी आनंद है। इसलिए जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले जदा जदा ही धर्म से ग्लानीर भवति भारत अद्भुतार्यम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च सुस्थितां धर्म संस्थापनार्थाय सभवामि धुनीः। जैसे कृष्ण कहते हैं, जब जब जगत में अधर्म घटने लग जाए, धर्म घटना शुरू हो जाए, तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के मैंने धर्म को स्थापित करना और दुष्टों को संहार करना और जगत में भगवत भक्ति को प्रचार करना। उसी तरह कहते भगवान का भी उसी तरह का छह अवतार होता है। इसलिए हमारे श्री भक्ति जन पर श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते थे, जैसे भक्ति रक्षक सिद्धर गोस्वामी महाराज वो कहते थे, जैसे पृथ्वी महाराज को तो कहते हैं ये पालन का अवतार है, जैसे नारद जी को कहते हैं ये भक्त का अवतार है। कहते उसी तरह कहते श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज किस चीज का अवतार है, वो कहते थे कहते ये नित्यानंद प्रभु का ये अवतार है। नित्यानंद प्रभु का सत्याग्रह अवतार है। कहते श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, वो कहते थे हैं, बोले आप करुणा सिंधु कापिया मुहाना हरे हरे भोले प्रेम आमिनार पाना सीताई को नमानिया सीताई को भगवान कृष्ण कीर्तन करते थे, वो
उन्होंने किसी तरह से भगवत गीता
एग्जाम्पल से रख दिया अपने धर्म में। एक व्यक्ति उसने संसार से इतने नफरत हो गया, संसार से इतने दुखी हो गया, डिप्रेशन आ गया, तो आज मैं सुसाइड कर लूंगा। वो सोच रहा है आज मैं सुसाइड करूंगा, बैठा हुआ कर ले सुसाइड के लिए सोच रहा है, सुसाइड करूंगा सुसाइड करूंगा। इतने में जब वो सुसाइड करने के लिए गया, उसका ड्रग उंगला और ड्रग का गन बंदूक था। जब उसने बंदूक को इसे पकड़ने के लिए गया, लेकिन उसी में था ये भगवत गीता, तब उनको हाथों में ये बंदूक नहीं आकर था क्या भगवत गीता। इतने में वो ग्रंथ को उसने खोला, जब उसने ग्रंथ को खोला उसमें गीता में आत्मतत्व को उन्होंने ये शरीर हम नहीं है, ये वासना ने जितना करता दिया आएगा नवा ने गिरता ने नरों करा दी तथा शरीर आज दुनिया ने जितना ने सजर समाज दे। जैसे पुराने वस्त्र को छोड़ देंगे हम एक नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से जो आत्मा केवल ये शरीर को छोड़ करके पुराने अपने पर और नए वस्त्र धारण करता है। जो आत्मा है न जायते न प्रियते और जो नित्य शाश्वत की आत्मा है, नहीं हम छिन्न से शस्त्राणी नहीं हम दहन पावत न जय न क्लदन क्या करने को सोचो कि मारू कौन। ये वस्त्र से कटने जा सकते पानी में भीगता नहीं, आग में जलते वक्त नहीं आत्मा, वो आत्महत्या क्या करेगा, वो मरेगा क्या। वो जब ये सब बात सुनते तो सब नई की बात है। अगर जीवन में कोई परम शांति पाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। हम जहाँ शांति ढूंढ रहे हैं ये मटेरियल वस्तु में शांति ढूंढ रहे हैं, जो स्वयं नश्वर है वो कभी भी शांति दे ही नहीं सकती है। अगर तुम शांति पाना चाहते हो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक तुम ब्रह्म को शरण नहीं जाओगे, जो आनंदमय है, जो रसमय है, जो प्रेममय है, जब तक तुम उसको शरण नहीं जाओगे कभी तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, प्रेम नहीं मिल सकती। अगर परम शांति पाना चाहते हो अगर शांति पाना चाहते प्रभु की शरण में जाओ तो उनको शांति मिलेगा। वो आत्महत्या क्या करेगा, रात भर उसने वो गीता को पढ़ते रहा, वो आत्महत्या कैसे छोड़ दिया, क्यों कहते शांति पाना तो बोलो प्रभु की शरण में मिलेगा। उसने ग्रंथों को खोला, ये ग्रंथ आया कहां से, ये ग्रंथ है तो उन्होंने एड्रेस को ढूंढा, एड्रेस में इसको मैं एड्रेस का मुझे वहां पर गया, जाकर भक्तों को साथ मिला और उन्हें जो प्रश्न किया था एकदम सही सही प्रश्न उसको प्राप्त हुआ। वो आत्महत्या नहीं किया, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसने स्कूल में ज्वाइन किया, उसको बाद में राह पकड़ पाया, अब उसको बाद में उसने संन्यास किया और संन्यास लेकर के संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का जो प्रेम धर्म को ये संपूर्ण रूप में महाप्रभु का प्रेम धर्म को दुनिया में प्रचार और प्रसार किया है। देखो ये ग्रंथ मरने वाले व्यक्ति को क्या बना दिया, मरने वाले व्यक्ति के रूप में बना दिया सन्यासी और महाप्रभु। इसलिए इनका जो ग्रंथ है ना वो कहते जब तक मेरे ग्रंथ जगत में रहेगा तब तक जो शुद्ध भक्ति की धारा ये जगत में बह रहेगा। इसलिए उसको अक्सर कहकर आप देखना ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए इसको बताया कि बृहद मृतक है, और जो तीसरा मृतक बताया कि ये जीवंत मृतक है, जीवंत मृतक मतलब जो स्वयं विश्व ब्रह्मांड में महाप्रभु का वाणी को प्रचार किए। इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने 70 साल उम्र में उन्हें संन्यास ग्रहण करते हुए उन्हें विदेश में ले आना, और विदेश से जा करके उन्हें ज्यादा भी प्रचार नहीं किया। परमानंद बता रहे थे ना पहले पहले सब बड़े बड़े महाराज गए, उनसे भी कुछ सीख के वाले गए, लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन यहाँ से जा करके एकदम सक्सेसफुल हुए। फिर कैसे सक्सेसफुल हुए, उन्होंने ज्यादा कुछ पहले प्रचार नहीं किया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ कर वहीं पर केवल बजरा को लेकर के श्री कृष्ण चैतन्य Yeah.
ईश्वर बोलते तो पियो है, इसलिए वो पहले हिप्पी थे, लेकिन वो हिप्पी से हापी हो गए। कहते हिप्पी से हो गए हापी हो गए, केवल इसलिए हरिनाम कीर्तन सुन करके अपनी आप तुम्हारा जो वातावरण थी वो सत्य सब अपनी आप बदल गया। इसलिए गुरु जी एक उदाहरण देते थे, जैसे एक पत्थर उठा, ये पत्थर को पानी में फेंको फिर क्या होगा, उसमें लहरें आती हैं, तरंग आती है, फिर वो तरंग धीरे धीरे अंतिम छोर को स्पर्श करता है, फिर वो तरंग धीरे धीरे ऊपर आता है। उसी तरह जब हम हरिनाम कीर्तन करते हैं और हरिनाम कोट कर रहे हैं वो साधारण प्रश्न है, हमारा जो शब्द है वो शब्द सामान्य है, लेकिन उनका मुंह से जो शब्द निकल रहा था वो शब्द सामान्य नहीं, वो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म शब्द होने का नाम है, इसलिए भगवान कपिल देव अपना नाम कहते हैं कृपाल सदा प्रसन्नाल अमरवीर के संतियो भवन की दृष्टि कर रसाय कथा तांजो सदा आसु अपवर्त सर्वनी श्रद्धा रहती भक्ति मंत्र जुटा केवल शुद्ध भक्तों के बुखार भी करते। जब वे कथा को सुनते वो कथा की मम वीर जे संतियो बड़े बलवान वीरजवती कथा है, वो कथा श्रवण करने पर क्या होगा, बल आप पा वर्ग बनी, जो प वर्ग है प वर्ग मतलब प प प प और मन, ये प वर्ग है, प में परिश्रम, प में धैर्य, प में दृढ़ता, प में धैर्य और मन में मृदु। बोले माँ अगर तुम शुद्ध वैष्णव होते अगर मेरी कथा सुनोगे ना, ये जितने सारे पावर ये समाप्त हो जाएगा श्रद्धा रति भक्ति। इसलिए इनकी केवल कीर्तन सुनते सुनते अपने आप उस स्थान का जो परिवेश अपने आप पवित्र हो गया, अपने आप और अपने आप जो शराब पीने वाले स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति अपने आप परिवर्तन हो गए। इसलिए अपने हमारे गर्व आ रहा है, अच्छी बात बता रहे थे जो भागवत में जो बताया दुतन पान स्त्री और सोना जथा अधर्म चतुर्विधा, ये चार जन तीन को अधर्म बताया, दुतन जुआ पान इतने तरह का असली वस्तु पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा पान शराब यहाँ तक चाय स्त्री अवैध संग और जीव हिंसा यदि अधर्म है। लेकिन इन्होंने जो ड्रग लेने वाला व्यक्ति है, जो ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति और जो मांस मछली खाने वाला व्यक्ति है, इनको अंदर नहीं भक्ति को भावना का जो प्रवेश कराना ये साधारण व्यक्ति है। हमारे भारत में हम प्रचार करके जाते हैं, हाँ किसी तरह से लोगों को अपना मांस मछली केवल ठीक है बोला, लेकिन जब उनको प्याज की बात को बोल दिया ना, बोले प्याज का सभी छिलका होगा मांस नहीं तो बोल जाते हैं। अरे जब सुनते चाहे हरिनाम दे दो, हमें केवल एक चंद्रमा की जरूरत है, हमें हजार तारों की हमें जरूरत नहीं, केवल एक चंद्रमा की हमें जरूरत है। इसलिए भक्ति कर शुद्ध रूप में एक व्यक्ति ही भगवत बनने को ही हमारे लिए बोलिए। अब देखो हमारे अंग्रेज के भक्त लोग ना, हमारे भारत में बहुत सारे व्यक्ति है अभी भी पान गुटखा बीड़ी और चाय खाते हैं, लेकिन आप देखो कि आप लोग चाय का कलवा सब खाने वाले हैं, लेकिन ये लोग भक्ति में आए तो सारी चीज को हमने छोड़ छोड़ के आए, सारे चीज को छोड़े। और मैं गया था प्रचार करने के लिए अयोध्या, एक स्वामी महाराज का एक भक्तों के घर में गया था, उसने कहा मैंने कैसे भक्ति में आए, उसने बोल रहे थे मैं इसलिए भक्ति में आई, मैंने तो कहा कि अंग्रेजी पूरा मूड को बढ़ाते हुए और छोटी रखते हुए और गला में सुंदर सिगरेट पहना हुआ और हाथ में माला फूल, वो कह रहे थे मैंने कहा भैया हमारे भारत में भी पूरा प्योर हमारी हिंदू संस्कृति है सनातन धर्म है, लेकिन अंग्रेज लोग जो मूल और गला में कठिन और कूलर इनको भी परिवर्तन करने वाले एक व्यक्ति को रहे, उनको मैं ढूंढा जो इनको अंदर में जो परिवर्तन है, मैं ढूंढते ढूंढते मैंने
यदि स्वामी महाराज के पास में गई आप और इनको प्रभाव को देखकर फिर अपने मित्रों से हरिनाम कीर्तन कर लिया है, इसलिए कि जो महापुरुष है कि साधारण में हम महाराज के आशीर्वाद से समय हम महाराज देव प्रकारा के स्वामी महाराज हम कहते हैं भगवत का लीला नित्य है, भगवत लीला नित्य है, मतलब ये लीला संपूर्ण ब्रह्मांड में जैसे कि आप कृष्ण लीला के जन्म हुए हो, कई भक्त चरित्र व्यक्त होंगे, कई रास प्रचार होंगे, जैसे कृष्ण लीला को नित्य कहते हैं, अगर ये लीला को कोई पृथ्वी में अगर कोई स्थापित किया जिसको धरती लीला नहीं माने ये बातों का हम रखा हो हमारा ही बात है, तो कैसे जैसे अभी ठाकुर जी को इस समय मंगलास में लेकिन क्योंकि जो सूरज है संपूर्ण पृथ्वी पे डूब रही है, अभी कहीं सवेर हो गया होगा अभी बात उठा के हाथ होता है, उसके बाद में जिस मंगला का भगवान की हुई है सूरज बोलती है क्योंकि इसकी प्रचार संपूर्ण विश्व में की प्रचार हम जहाँ जहाँ गए देश में सब कोड़े कड़े में लिखा मंत्री भक्त देखा कहीं ना कहीं पूरे में कहीं होगा उसके इतिहास कहीं ना कहीं उनकी संध्या भी होती होगी कहीं ना कहीं मंदिर इसे महाराज कहते हैं भगवान के नीचे है ना कि वसुदेव स्वामी महाराज ने ये चीज को स्थापित कर दिया संपूर्ण पृथ्वी में कहीं ना कहीं इसी नदी में आरती के अंदर ऐसा पाप होता रहता है, लीला ने संपूर्ण विश्व को स्थापित कर दिया। यार इनको कोई कोई व्यक्ति कहते हैं संख्य रस में ये चीज को लेकर बड़े लड़ाई है, कोई कहते हैं स्वामी महाराज के संख्य रस में, इसलिए अगर कोई कहते हैं श्रृंगार रस में महाराज की चीज को लेकर बड़े लड़ाई है। यहाँ पर कहते हैं एक निश्चित महापुरुष का जो स्वरूप निर्जय करना ये साधारण मनुष्य का नाम नहीं, इसलिए कभी भी किसी महापुरुष को विषय करना ये संख्य रस है ये रस नहीं करनी चाहिए, उसको कोई निरूपण कर सकते हम लोग निरूपण कर लेंगे या शिष्य और उनका प्रशिष्य उनका रस निरूपण कर लेंगे वो किसका करेगा, हम शिष्य प्रशिक्षण हमारा गुणवत्त का ही काम करेंगे, इसलिए हमारे जो महाराज जी भक्ति प्रकाश नारायण गोस्वामी महाराज ये लीला में कौन सा है नित्य लीला रमण बन जाएगी है रमण बन जाएगी महाराज के देव बोले कोई स्वामी महाराज के शिष्य ने कहा कि सत्य रस है तो तेरे जैसे बनना चाहिए सत्य रस ब्रह्मांड प्रसिद्ध कौन भाग्यवान की गुरु कृष्ण प्रसाद गुरु कृष्ण प्रसाद कृपा से भक्तिलता दीजिए होता है, इसको व्यवस्था कराने वाले कौन है, इसलिए महापुरुष धारा में अक्सर करके जो आने वाले, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर की बात को कहते हैं कौड़ी और उबे की जो गोरी श्री श्री राधा रानी के आने में भक्ति को उतरी करने वाले महाप्रभु धारा में अब आप लोग आए क्यों बोलिए ब्रज भक्ति निकुंज सेवा देने के लिए आए, कई मैंने संन्यास दिया किसको संन्यास मंत्र को क्या मंत्र है ये गोपी मंत्र है, अगर जिसका अगर कोई गोपी भाव नहीं हो फिर मंत्र कैसे छोड़ दिया, राधा कृष्ण का स्थापन है और राधा कृष्ण का स्थापन कर सकता है या सत्य रस का भक्त हो श्रृंगार रस का भक्त हो, इसलिए महाराज हमारे यहाँ में भक्त है वो सत्य रस में नहीं वो श्रृंगार रस में भक्त है, इसलिए केवल नित्य सुंदर परिकरण ही उनका स्वरूप निर्णय कर सकते हैं और कोई सही नहीं समझ ले, इसकी कृपा से ही हम थोड़ी बहुत जो विदेश जाते हैं और यहाँ पर जो थोड़े बहुत से भक्त लोग दर्शन करते हैं गोविंद और बड़े ऐसे यही महा उसका कृपा है, इसे महा उसका कृपा है इन्होंने जो संपूर्ण विश्व में हाँ इन्होंने और एक इनका रहते समय ना इनका एक कल्पना था क्या कल्पना से रहते हो महाप्रभु का जो भविष्य वाणी था पृथ्वी में संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का वाणी प्रचार होगी उनका एक कल्पना था, उसी समय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे, इसलिए किसी कल्पना थी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बन रहे हैं जैसे पहले पृथ्वी जैसे चलता था राजा रानी होता और राजीव गांधी को राज को राजा बनाया और संपूर्ण भारत को संपूर्ण विश्व को कृष्ण भक्तिमय बनाने का इनका संकल्प है पूरा, और इन्होंने बताया था उनका मंदिर हर 200 किलोमीटर में एक मंदिर होनी चाहिए, हर 200 किलोमीटर में एक मंदिर होनी चाहिए, मतलब एक ऐसे आए संपूर्ण दुनिया में दुनिया जैसे कृष्ण रस भक्ति रसमय हो जाए महाप्रभु का जो वाणी है ये सार्थक हो जाए, इतने बड़ी की कल्पना थी इतने बड़ी कल्पना थी, इसलिए जितने भी गोपी सिद्धार्थ सर्वदेव गोस्वामी प्रभुपाद आप
प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन इनके 50 साल कितने हैं जो असली जो प्रभुपाद या प्रभुपाद है ना, अब इनको नहीं जाते इनको सब जन प्रभुपाद बोलने लगे। क्या क्या इनकी प्रचार करने इतने शक्ति है इनके प्रचार, इसलिए हम लोग को भी महाप्रभु का वाणी का प्रचार प्रसार करनी चाहिए। ये महाप्रभु भी से चाहे स्वयं भजन करें। और ये जो महापुरुष जैसे पहले है ना बड़े कठोर साधन भजन किया, ऐसे प्रचार के नहीं गए सत्य साधन भजन, पहले बड़ी साधन भजन कठोर रूप से किया। कहाँ पर गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते थे और राधा दामोदर मंदिर में बैठी रहेंगी, वहीं पर बैठी रहेंगे और हमारे महाराज भी वहीं पर थे, दोनों मिलकर रोटी बनाया करते थे, आपस में सत्संग करते थे, हरि कथा करते थे। इसलिए पहले उन्होंने कठोर साधन भजन किया और दुनिया में महाप्रभु का वाणी सर्वत्र प्रचार और प्रसार किया। इसलिए आज इनका जन्मदिन भी है, आप उनको जय श्री मणि। संपूर्ण विश्व में महाप्रभु वाणी का प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया, जैसे की इच्छा पूरी कर सके और गुरु वैष्णव की सेवा करते रहने की प्रार्थना हिता से हम ये प्रार्थना करते हैं। बादशाह गुरु गोविंद सर के पास कृपा करो, प्रभु का प्रभाव।